अब ये धड़ों की सूरत में एक दफा इकट्ठे फिर होंगे। पहले एमकेएम आएगी नहीं, एमकेएम ने कौन देगा वोट? मैं दूंगा। वोट करेंगे एमकेएम के लिए? नहीं नहीं कुछ नहीं, अगर ये हो गया तो वोट करेंगे। वोट तो हम करते ही हैं जो कराची के लिए काम करते हैं, तो अपना कराची में रोड बनाएंगे जो भी है। आपको पता है ना एमकेएम के सारे जो धड़े उनको वापस में लाया जा रहा है, तो काम करेगा उसको वोट पड़ेगा ना, अब काम करके दिखाए। मेरा वोट नहीं है इनके लिए, पॉलिटिक्स में अब इतना इंटरेस्ट रहा नहीं। ये तो आप मुस्तफा कमाल से जाके पूछें, वापस आ जाएंगे? मुश्किल है। आजकल नई बोतल में पुरानी शराब फिर से डाली जा रही है। सारे रूठे हुए किरदारों को कोई छड़ी से माफ कीजिएगा, कोई जादू की छड़ी से एक बार फिर से मिला रहा है। क्या फारूक सत्तार, क्या मुस्तफा कमाल, क्या खालिद मकबूल। मगर इस हांडी में एक मसाला तो ऐसा है जिसके बगैर तो ये हांडी अल्ताफ हुसैन के ज़माने में भी नहीं पकती थी, और वो मसाला है एमक्यूएम का मिलिटेंट विंग, जिसे आम तौर पर कराची तंजीमी कमेटी या फिर KTC भी कहा जाता था। ये वही मिलिटेंट विंग है जिस पे सानिया बल्दिया जैसे बड़े टेररिस्ट अटैक का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, और इसके साबिक सरबरा हमाद सिद्दीकी आजकल पाकिस्तानी इदारों के मेहमान हैं। मेहमान इसलिए क्योंकि कभी भी ऑफिशियली उनकी गिरफ्तारी हुई ही नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। अब सवाल तो ये बनता है कि क्या डायरेक्टर्स इस पुरानी फिल्म के नए रीमेक में एक्शन, किलिंग, एक्सटॉर्शन और टेररिज्म के सीन्स भी शामिल करेंगे जो कि पुरानी फिल्म का भी हिस्सा थे, क्योंकि इन सीन्स के बगैर तो ये फिल्म किसी सूरत चलने वाली नहीं। और अगर ऐसा होता है तो इस शहर का अल्लाह ही हाफिज।